guys, welcome to the channel Wicked Capricorn. As all YouTubers say, so maine bhi bol diya, big deal. So this is the first time I am testing my camera, and by the way, this is GoPro Hero 7 Black, the top model GoPro has till date. So yay, I bought this camera a few days back, and I have tested this camera in my sister's wedding. So no doubt the performance of this camera is unbelievable. Abhi tak maine isko on road test nahi kiya tha, which is why I bought this camera for moto vlogging. Halanki itna rush hai is road pe, so itne din se main soch raha tha ki isko test karunga, but thoda sa aalsi ho gaya tha main. So today I am testing this camera, and even ye night condition mein bhi test ho raha hai. Aise abhi this is evening time, it's 6:15 as of now. Abhi andhera hona shuru hua hai, so let's see how it works, how it performs. And actually I got confused. Bahut sare logon ne mere ko suggest kiya ki why you are going for a 30,000 camera, 30-35,000 camera, why not SD cam? अभी तेरे को कोई प्रोफेशनल व्लॉगिंग तो करनी नहीं है, देन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग सो मच. सो आई थॉट कि फिर मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे, R&D करी, कंपैरिजंस देखे. सो आई फाउंड मेजर डिफरेंस इन SD कैम एंड GoPro, डिफरेंस इन क्वालिटी, इन साउंड क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, मैनी मोर फीचर्स. सो this camera have a unique feature, unique we can say technology, which is hyper stabilization. ये hyper stabilization मैंने अभी अपनी जो मैंने बताया अभी मेरी सिस्टर की वेडिंग थी उसमें भी मैंने बहुत उसको डीपली टेस्ट किया है और फील किया है. एंड दिस कैमरा ऑल्सो हैव वॉइस स्टेबलाइजेशन, लाइक जो विंड ब्लास्ट होता है वाइल यू राइड. मोटो ब्लॉगिंग में जो क्या बोलते हैं, जो विंड ब्लास्ट होता है, तो उसका भी स्टेबलाइजेशन है इसमें. इट रिड्यूसेस एक्सटर्नल नॉइज सेंस करता है कैमरा एंड उसको रिड्यूस करता है. तो लेट्स सी कितना रिडक्शन है इसमें एक्सटर्नल नॉइज का. सो यस, आई एम टेस्टिंग इट बोथ वेज, वीडियो वाइज, night video in night conditions, as well as external noise reduction wise also. So अभी जिस अकॉर्डिंग मैंने अपना ये माउंट सेट किया है, आई एम नॉट एबल टू सी दी व्यू दी स्क्रीन. वरना होता क्या है, आप इसकी पोजिशनिंग ऐसी आती है कि आप हेलमेट में से ही इसको देख सकते हो कि इसका व्यू क्या, व्यूइंग एंगल क्या है, और कितना परसेंट नीचे है, कितना फ्रंट में है. यू कैन एक्चुअली जज ना कि आपने आपका वो जो व्यू आ रहा है वो परफेक्ट है कि नहीं है. सो आई डिड दिस, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे को व्यू दिख नहीं रहा है कैमरे का. अभी मैंने अपने मोबाइल ऐप से चेक किया है इसका, तो मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है, बट लेट्स सी कि अभी कितना परफेक्ट है, कितना और एडजस्टमेंट है इसमें. और इसमें जनरली जो राइडर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, दे यूज एक्सटर्नल माइक फॉर ब्लॉगिंग, बिकॉज इतना विंड ब्लास्ट होता है. अभी हम राइडिंग ऑन 50-60 स्पीड, तो अभी स्टिल अभी देखो विंड ब्लास्ट फील हो रहा है. तो जस्ट टू टेस्ट की 60-70 की स्पीड तक अगर आप ब्लॉग करते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक, तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या निकलता है, वॉट इज़ दी वॉइस क्लैरिटी आपको उसमें, और क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, and do you really need an external mic, external jack? Because इसमें GoPro में सिर्फ एक ही disadvantage है इसमें, if you for vlogging, specifically for vlogging, अगर आप
करने हैं, ब्लॉग करना है, तो यू हैव टू यूज एक्सटर्नल माइक, बिकॉज जो वॉइस क्वालिटी है, जो लाइक इफ यू आर राइडिंग ऑन 60-70 प्लस और 50 प्लस, और अगर विंड ब्लास्ट है थोड़ा सा भी, तो आपकी वॉइस क्लियर नजर सुनने में नहीं आएगी. सो फॉर दैट टेस्टिंग ऑल्सो आई एम डूइंग दिस, सो दैट मेरे को पता लगे इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली है क्या इन टर्म्स ऑफ वॉइस क्वालिटी. बिकॉज स्पेसिफिकली फॉर व्लॉगिंग, अगर आपने कैमरे में बोलना भी है साथ के साथ में, तो यू हैव टू गो फॉर, इन स्पेसिफिकली इन GoPro, यू हैव टू गो फॉर एट एक्सटर्नल माइक एंड एक्सटर्नल माइक जैक. तो जैक इटसेल्फ इज़ अराउंड 3500 to 5000 रुपीज, एंड माइक विल कॉस्ट यू अराउंड 800 to 1200 रुपीज. सो थोड़ा कॉस्टली, मतलब कॉस्टली हो गया, अब आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है तो 4-5000 रुपये और क्या, नो बिग डील. बट यस, 5000 रुपये भी मैटर करते हैं, और जब आपने इतना एक्सपेंसिव कैमरा लिया है, टॉप मॉडल लिया है, तो वाई नॉट टू टेस्ट इट इन दी नेचुरल कंडीशंस, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है. सी जस्ट सी द ट्रैफिक, ओए ओए ओए, दिल्ली के ट्रैफिक की हालत ख़राब है. अभी मैं जिस रोड से आया हूँ, दैट इज़ पालम फाटक रोड, अभी इस पर जाते वक्त, अभी आते वक्त भी इतना एक्सट्रीम ट्रैफिक था, एंड जाते वक्त भी वर्स्ट कंडीशन होगी ट्रैफिक की. तो मैंने सोचा लेट्स डू इट, ट्रैफिक कंडीशंस भी प्रेफरेबल है, इतने वर्स्ट ट्रैफिक कंडीशंस में कैसा परफॉर्मेंस रहेगी, एंड नाइट कंडीशन भी हो जाएगा, वॉइस टेस्टिंग भी हो जाएगी, सो मल्टीटास्किंग हो जाएगी. तो अभी मेरा पर्पस व्लॉग करने का कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट मैंने जो 2-3 साल से राइड स्टार्ट करी है, डेडिकेटेडली राइड्स में बहुत पहले भी करता था, बहुत राइड्स कर चुका हूँ पहले भी, पिछले 10-12 सालों में, बट जो अभी मैंने डेडिकेटेडली राइड स्टार्ट करी है एज अ राइडर प्रोफेशनली, जो राइड स्टार्ट करी है विथ ऑल दी इयर्स एंड सिस्टमैटिक राइड्स प्लान इन अ प्लान वे, तो मेरा बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना ही है अभी तक तो फिलहाल. तो कोई पैसा नहीं है कि मेरे को यूट्यूब से कुछ और बेनिफिट्स के लिए सब करना है. यस, जो आप कर रहे हो, व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड इट, व्हाई नॉट टू सेव इट, व्हाई नॉट टू यू नो जस्ट कैप्चर योर मेमोरी, क्योंकि आप बाद में देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत बहुत सीखी लगती है. लास्ट ईयर 2018 सितंबर आई वाज इन लद्दाख, उस टाइम मेरा लेने का प्लान था, बट बिकॉज ऑफ दी बजट, क्योंकि मेरा फर्स्ट विजिट था वो लद्दाख, एंड मेरे को काफ़ी कॉस्टली बैठ गया था वो ट्रिप, तो इस वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया GoPro में. बट अगर उस ट्रिप पे मेरे पास GoPro होता तो उस ट्रिप का मज़ा ही कुछ और होता, ट्रस्ट मी. तो मैंने वहाँ पे, मैंने अपने लद्दाख ट्रिप पे भी इतना रिस्क लेके वीडियोज़ बनाए, मोबाइल से वीडियोज़ बनाए, सिंगल एंड राइड और एक्सट्रीम कंडीशन से भी मैंने मोबाइल से वीडियो बनाए, नॉट टू शो अदर्स, बट जस्ट टू यू नो जस्ट टू स्टोर दी मेमोरी. अभी मैं 2-3-4-5 साल बाद भी अगर जाके देखूँगा वो वीडियोज़ देखूँगा, तो मेरी सारी मेमोरीज एकदम रिफ्रेश हो जाएंगी. अभी तक मैंने 4K वीडियोस नहीं बनाई है इससे, मैंने 1080p विद ऑन 60fps फ्रेम्स पे बनाई है वीडियोस, और बहुत सस्ती, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है इसका, बहुत अमेजिंग व्यू है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है.
जनरली घर पे जो टीवी एंड एलसीडीज यूज करते हैं वो एलसीडीज आर 2 मेगापिक्सल 1080p। तो जब तक आपके पास आउटपुट स्क्रीन ही नहीं रहेगी तो 4K वीडियोस बनाने का फ़ायदा क्या है। 4K स्क्रीन है अगर आपके पास देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 4K वीडियोस बिकॉज वो आउटपुट आपको मिलेगा देखने को। बट एक चीज़ का फ़र्क है 100%, जब आप 4K वीडियोस बनाते हो तो उसमें जो कलर्स की डिटेल है वो बहुत अच्छी आती है। मतलब जो कलर्स हैं उनका रिस्पॉन्स, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अमेजिंग आता है। भले ही आपको रेजोल्यूशन वाइज वो आउटपुट दिखे ना दिखे अपनी स्क्रीन पे, स्क्रीन में जिस पर आप देख रहे हो, जो आउटपुट स्क्रीन पर आप देख रहे हो, बट जो कलर्स हैं, जो नेचुरल कलर्स आएंगे वो बहुत अमेजिंग आते हैं 4K वीडियोज में। तो ये डिफरेंस तो 100% है। अभी आई एम हेडिंग टू वर्ड एवी ऑटोमोबाइल्स कहीं पालपुर। तो मेरे बुल का वो है वो फर्स्ट हाउस और यू कैन से सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस मेरे बुल का मेरा घर ही है, सेकेंड हाउस ऑफ माई बुल। तो इसकी सब यारी दोस्ती वहीं पर है एंड टू मीट माई रेगुलर कॉन्टैक्ट्स देयर। यस आई डोंट नो हाउ कैसा व्यू आ रहा है बट आई होप कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा यार इस टाइम में भी। अभी मैंने नाइट विजन सेटिंग्स की नहीं है बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी नाइट विजन सेटिंग्स में क्या क्या करना होता है, क्योंकि मेरे को अभी तक एक सिंगल परफॉर्मेंस भी नहीं पता थी। मतलब मैंने एक परफॉर्मेंस देखी नहीं थी एक्चुअली, जो कि मेरे को पता लगे कि नाइट विजन के लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, किस तरह का एक्सपोजर डालना पड़ेगा कैमरे सेटिंग्स में। अच्छा ही व्यू आएगा। सो आई हैव रीच्ड माय पालपुर एयरपोर्ट। यार ये मंदिर बहुत अमेजिंग लगता है मेरे को, मतलब हमारे आईटीआई की जान लगता है मंदिर। जैसे एक कोई हमने गार्ड बिठा रखा है, लुक एट द ट्रैफिक मैन, लोग पकड़ा जाते हैं वापस घर जाते जाते हैं। आई स्वेयर सल्यूट है उन लोगों को जो दिल्ली गुड़गांव डेली ट्रैवल करते हैं, सीधी सल्यूट है आपको भी। हाय हाय क्या ब्राइटनेस है, आई होप बहुत अच्छा व्यू आ रहा होगा। ये ऐसा लगता है चाइना टाउन की तरह, क्योंकि जापान में चाइना में कोई सीट हो वैसा व्यू लगता है स्पेसिफिकली इस गुड़गांव के पालपुर की। अभी तक मैंने मैक्सिमम जो स्पीड मैं गया हूँ वो है 60 या 70। 60-70 तक मैं देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आता है, सो दैट हम इसकी आगे की प्लानिंग करें कि अगर इसको यूज़ करना है, अगर हमें और ब्लॉग बनाने हैं तो किस तरह से बनाए जाएं और उसकी किस तरह से प्रिपरेशन करी जाए। सो दैट अगर इवन और किसी के लिए नहीं, अगर मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ कर रहा हूँ और पता लगा वो घर पे आके मेरे को ही सुनाई नहीं दिया तो फिर फ़ायदा क्या है। इंस्टेड ऑफ दैट तो फिर आप इसमें म्यूज़िक डाल लो। नहीं एक बाकी सारी रोड और एक ये रोड, बाई गॉड ये आप दिन में कभी भी आ जाओ महिपालपुर कनेक्टिंग वसंत कुंज, ये रोड तो भगवान ही मालिक है इस रोड का। दिन में कहते हैं, सुबह कहते हैं ऑफिस का ट्रैफिक है, दिन में कहते हैं स्कूल बसेस का ट्रैफिक है और अभी ऑफिस का ट्रैफिक है, मगर ये साला रोड 10-12 घंटे प्रॉपर जाम रहता है। पता नहीं इस रोड पे ऐसा क्या शराब लगा हुआ है, या पता नहीं सारे इसी रोड से निकलते हैं, या पता नहीं व्हाट्स एवर इट इज़ जो भी रीज़न है, बट ये रोड हमेशा कंजस्टेड रहता है, इतना ही जाम रहता है। चलो गाइस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन, सो कैच यू लेटर, बाय।